आप सभी ने आए दिन आसमान में ये सफेद रंग की पट्टी जरूर देखी होगी और ये भी सोचा होगा कि आखिरकार ये सफेद रंग का धुआं क्यों और कैसे बन रहा है। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम इसी चीज के बारे में। शुरू करते हैं आज के फर्जी ज्ञान को। जब कभी भी आसमान में कोई एरोप्लेन या जेट गुजरता है तो वो अपने पीछे एक सफेद रंग का धुआं भी छोड़ता चला जाता है। एरोप्लेन या जेट जब आसमान में उड़ते हैं तो वो अपने इंजन से काफी मात्रा में एग्जॉस्ट या गर्म भाप छोड़ते हैं और इसी गर्म भाप में छोटे छोटे वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं। यही वाटर वेपर जब बाहर के वातावरण के संपर्क में आते हैं तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में जम जाते हैं। इसी तरह की सामान्य प्रक्रिया जब आप सर्दियों के समय अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं तो मुंह से निकली हुई हवा में मौजूद पानी बाहर आकर जम जाता है और हमें धुएं जैसा कुछ बनता हुआ दिखता है। एरोप्लेन जमीन से 8 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और इतने ऊपर की जगह का तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब एरोप्लेन के इंजन से निकली हवा बाहर के ठंडे वातावरण से मिलती है तो हवा में मौजूद पानी जम जाता है और कुछ बादल जैसा दिखाई पड़ता है। इसी प्रक्रिया को आपने स्कूल में कंडेंसेशन के नाम से भी पढ़ा होगा। इस सफेद पट्टी को कॉन्ट्रेल कहते हैं, यानी कंडेंसेशन और ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है पट्टी। आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ कॉन्ट्रेल लंबे समय तक मौजूद रहते हैं तो कुछ कॉन्ट्रेल तुरंत ही गायब हो जाते हैं। असल में अगर आसमान में नमी या ह्यूमिडिटी कम होती है तो कॉन्ट्रेल में जमा हुआ वाटर वेपर जल्दी एवोपरेट हो जाता है और हमें यह पट्टी कुछ कम समय के लिए दिखाई देती है। वहीं पर अगर आसमान में नमी या ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर वेपर में मौजूद जमा पानी लंबे समय तक फ्रीज रहता है और इवेपोरेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी कारणवश ये सफेद पट्टी लंबे समय तक दिखाई देती है। सर्दियों में बाइक या कार के साइलेंसर से भी कुछ इसी तरह की घटना होती दिखाई पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल फर्जी ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।